रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के गोपलापुर इलाके में मंगलवार की रात दबंगों द्वारा फिल्मी स्टाइल में असलहा लहराते हुए चौराहे पर भौकाल बनाते हुए फोन पर किसी शख्स को धमकी देते हुए वीडियो को गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल पर प्रमुखता से दिखाया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल पर प्रसारित इस खबर को संज्ञान में लिया और रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की पुलिस एक आरोपी युवक को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अनुज कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी बेतिहाता हरिजन बस्ती थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि असलहा लहराते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी करने के पश्चात दोनों युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात घटना में शामिल एक अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की गई है। फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये कल 3:11:20 को रामगढ़ थाना क्षेत्र में गोपलापुर का क्षेत्र है, वहाँ पे दो व्यक्ति दिखे थे कि स्कूटी से, एक व्यक्ति किसी से फ़ोन पे गाली गलौज कर रहा था और एक व्यक्ति असलहा दिखा रहा था, मतलब लहरा रहा था। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा जैसे लोग सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची और छानबीन शुरू हुई। उसके बाद दोनों व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए, तुरंत ही उनकी गाड़ी भी जो स्कूटी से गए थे स्कूटी पकड़ ली गई। जो व्यक्ति मुख्य व्यक्ति जो असलहा लह रहा था उसको भी तत्काल हिरासत में ले लिया गया। पुलिस द्वारा ही इसमें 307 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और कल इसको जेल भेजा जाएगा। सर किस बात को लेकर विवाद है? ये अभी तो प्रथम दृष्टया तो यही बात सामने आ रही है कि दो पक्षों के दो मतलब लड़कों के ही गुट थे उसमें आ गई है, दूसरे गुट के भी नाम पता चले हैं, उसमें भी कुछ से पूछताछ की जा रही है, और भी तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर जो पकड़े गए हैं इनका कुछ आपराधिक इतिहास है? अभी जो पकड़ा गया व्यक्ति कोई विशेष आपराधिक इतिहास नहीं पता चला, लेकिन एक बार 3:25 में पता चला कि कैंट थाने से जेल गया था। बाकी पता कर रहे हैं, कोई और अगर इनका अच्छा खासा प्रतिशत होगा तो गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सर कितने लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया? दो व्यक्ति हैं, वीडियो में भी दो व्यक्ति समझ में आ रहे थे, स्कूटी से आए थे, वीडियो फुटेज में भी दो व्यक्ति हैं, और वहाँ जो आसपास के लोगों ने भी जो ऑडियो क्लिप या जो फोटो खींचे थे उसमें भी दो ही व्यक्ति आ रहे थे, तो दो व्यक्ति ही आए थे, इसलिए दो पे ही अभियोग पंजीकृत मुख्य रूप से किया गया। इसमें एक जो मुख्य अभियुक्त था जो हाथ में पिस्टल लेकर लहरा था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। सर उसके पास से कुछ बरामद? हाँ, असलहा बरामद भी हुआ है।